पर दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार प्राची और रणवीर एक दूसरे के साथ में थोड़ा और समय स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस समय सबसे बड़ा शक और सबसे बड़ी टेंशन ये भी है रणवीर को कि क्या ये शादी हो ना जाए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं प्राची को खोने का गम भी लग रहा है और डर भी लग रहा है, क्योंकि प्राची को खोने का डर इसलिए लग रहा है कि आखिरकार कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये शादी हो जाए। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, और आप लोग जानते हैं कि किसी भी तरीका से रणवीर के होते हुए प्राची ये शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि प्राची सभी के सामने रणवीर से बोलती हुई नज़र आने वाली है कि रणवीर जो तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी चल रही है उसे निकाल दो। जी हाँ, क्योंकि प्राची ये बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैंने ज़िंदगी में अगर किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो, क्योंकि ये सब कुछ मुझे इसलिए कहना पड़ रहा था क्योंकि हमें रिया को एक्सपोज करना था, रिया ने क्या क्या कांड किए हैं आज मैं तुम्हें बता देती हूँ। इस तरीका से प्राची समझाती हुई नज़र आने वाली है भरी महफिल में, क्योंकि भरी महफिल में जब दोनों के एक दूसरे के साथ में फाइट होती हुई नज़र आने वाली है, उसी दौरान बहुत गंदी तरीका से जो कि प्राची खुद डांटती हुई नज़र आने वाली है रणवीर को, और रणवीर को बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और तुमसे ही करूँगी जीते जी। उसके बाद में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार रणवीर और प्राची एक दूसरे के साथ में होते हैं। लेकिन दोस्तों रिया अभी ही एक्सपोज होने जा रही है, एक्सपोज कैसे होगी वो भी आप लोगों के बीच में फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब रिया की प्रेगनेंसी की एक रिपोर्ट आने वाली है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ नज़र आएगा कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा आपको मेरे